हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्नेहा वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड चाइल्ड कई पेरेंट्स का मेरे पास ईमेल आया जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि जिस स्कूल में वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए तैयारी करवा रहे हैं उसमें ईवीएस का भी एक सेक्शन आएगा इंग्लिश मैथ्स और हिंदी इन सारे सब्जेक्ट के लिए तो मैंने आपसे सैंपल टेस्ट पेपर ऑलरेडी शेयर किए हैं पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी ई का एक सैम्पल टेस्ट पेपर जो उन बच्चों के प्रैक्टिस में हेल्प करेगा जो किसी भी स्कूल में क्लास टू में एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो में बताई गई वर्कशीट क्लास वन के स्टूडेंट्स और क्लास टू के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह की वर्कशीट आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दें और आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आप किसी क्लास या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं क्लास टू के एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो बेस्ड होगा क्लास वन के सिलेबस पर यानी क्लास वन में जो भी बच्चे ने पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लास टू के एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है क्लास वन में ज़्यादातर स्कूलों में जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं फूड क्लोथ्स फेस्टिवल सेंस ऑर्गन्स इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं क्लास वन एंड टू के बच्चों के लिए ईवीएस का ये है मेरा पहला सैम्पल टेस्ट पेपर आने वाले समय में, में मैं और भी सैंपल टेस्ट पेपर शेयर करूंगी ये टेस्ट पेपर मैंने बनाया है थर्टी मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं जब बच्चे ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं बच्चे ने टेस्ट में कितना स्कोर किया है और अकॉर्डिंगली आप उनका कॉन्सेप्ट उनकी स्पीड और एक्यूरेसी पर काम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन दी ब्लैंक्स वी डैश विथ आर आईस सेंस ऑर्गन बच्चों को स्कूल में अच्छे से पढ़ाया जाता है तो आईस से यानी आंखों से क्या करते हैं वी सी विथ आर आइज

है और नीचे सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस पर इन में से चूज करके करेक्ट वर्ड को इस्तेमाल करना है वर्ड्स हैं रन टॉक स्मॉल लुक ऑफ द बेबी वेन आई वॉज अ बेबी आई कुड नॉट डैश माई सेल्फ तो इसका आंसर क्या होगा लुक आफ्टर लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं अपना ख्याल खुद से नहीं रख पाती थी आई can वॉक एंड डैश टू तो इसका आंसर होगा आई can वॉक एंड रन टू चल भी सकती हूँ और दौड़ भी सकती हूँ वेन आई वॉज अ बेबी आई वॉज वेरी स्मॉल वेन आई वॉज अ डैश आई कुड नॉट डैश वेन आई वॉज अ बेबी आई कुड नॉट टॉक जब मैं छोटी थी तो मैं बात नहीं कर पाती थी क्वेश्चन नंबर थ्री टिक द करेक्ट आंसर व्हाट डज द रेड लाइट मीन्स रेड लाइट का मतलब क्या होता है गो स्टॉप वेट आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा उसमें रेड ग्रीन और येलो कलर्स होते हैं तो रेड का मतलब क्या होता है स्टॉप रुक जाना गाड़िया रेड लाइट को देखकर रुक जाती हैं। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द डैश हमें रोड कहा से पार करना चाहिए सेंटर जेब्रा क्रॉसिंग फुटपाथ आंसर इज जेब्रा क्रॉसिंग वी मस्ट नॉट टच स्विचेस विथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड वेट हैंड आंसर होगा वेट हैंड्स गीले हाथों से हमें स्विच नहीं छूना चाहिए दिस रोड साइन शोज ये जो साइन बना हुआ है सिंबल बना हुआ है वो रोड किनारे क्या शो करता है इसका मतलब क्या होता है यू टर्न गो लेफ्ट गो राइट आंसर इज यू टर्न क्वेश्चन नंबर फोर फिलिंग के लिए कुछ वर्ड दिए गए हैं और कौन सा वर्ड कौन सा फिट करता है वो बच्चों को देखना है मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफर्स्ट इन द मॉर्निंग पीपल हु डू नॉट ईट मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन वी शुड अवॉइड इटिंग जंक फूड वी शुड वॉश आर

उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वी यूज अम्ब्रेला अम्ब्रेला और रेन कोट का प्रयोग किस मौसम में होता है मॉनसून सीजन ट्रीज शेड देर लीव इन डैश सीजन आंसर होगा ऑटम इस तरह के छोटे छोटे टेस्ट पेपर अगर आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े जिससे वो फाइनल एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपके बच्चों की प्रैक्टिस में काफी मदद मिलेगी इसी आशा के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक किसी और क्लास के सैंपल टेस्ट पेपर के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो